वेलकम बैक। बुनियादी तौर पर मैं समझना वा कि पाकिस्तान दे विच कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां सानू वेखणियां पैणगियां, सानू झूठियां चुदरावां छड़नियां पैणगियां, सानू वेखना पेगा कि अगर तरक्की याफ्ता ममालक ने अपनी सिमतां दा तायुन ठीक कीता है। और लीडरां दा यही काम हुंदा है कि वह कुदरती वसायल और अफरादी कुवत दा कोई इहो जिहा राह लभदे ने कि जिहड़ा बंदा जिहड़ा काम कर सकदा है, जिहड़ी उहदी सलाहियत है, जिहड़ी वह सैल कर सकता है, जिहड़ी सलाहियत की वजह तो वह मुआशरे दे विच अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, उन्होंने इंश्योर करिए। और ज़रात दे विच मैं समझना वा कि बाकी अगर किसी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अच्छी नौकरी करनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जॉब लेनी है, तो उसके वास्ते लिए दा होना जरूरी है, क्योंकि ज़रात दे विच इस वेले जिस डिपार्टमेंट भी कोई जॉब आती है, भावें वह दर्जा चा हरम दी है तो भावें कोई उतले लैवल दी है, साढ़े सामने सारिया गल्लां हुंदियां रहिंदियां ने कि उत्थे सिर्फ और सिर्फ लईए दा डोमिसाइल होवे तो सारे काम हो जाते हैं। बहरहाल पीटीआई की सोचती है पई और ज़रात दे मुतल्लिक की फोकस कर रही है पई, गुरदेव साहब नूं पुछदे आ कि किहड़ियां दुध दीआं नहरां बहाणियां ने बहाणियां ने और किवें तब्दीलियां होईआं ने। देखो सही, मैं तुहानूं दस्सां इक गल, बेसिकली जब तक पूरी कौम इह सुण लवे जी, और मैं तुहाडे चैनल तों मैं पूरी कौम नाल मुखातिब होना चाहना जी प्लीज, कि जब तक मैं दे चक्कर चों ना निकल सो, मैं को नहीं लगता पाया कि यह मुल्क हुण अपने कदमों तक खड़ो सके। ये जिहड़ी मेरा घर, मेरा रकबा, मेरे वसायल, इन्हें तो निकल के तो सोचना पौसी एक तो जी जी, तो दूजा यह है कि जरा तो फरमाया कि लइए दा डोमिसाइल होना जरूरी है। तरीके इंसाफ शुरू नहीं तो आती पई है कि मैरिट को प्रमोट करो, राइट परसन, इंसाफ का मतलब ही है कि राइट परसन एट द राइट टाइम एट द राइट चेयर ऑन द राइट जॉब। गुड, जब तक के राइट परसन ना आसी तुहाडे मुल्क दे मसाइल हल ना हो सन। राइट परसन दे विच ए नहीं आंदा कि इन्हें मेरे वास्ते कुर्बानियां कितने दित्तियां ने, राइट परसन ओ नहीं, मेरे वास्ते एज अ फ्रेंड ही कैन बी अ राइट परसन, हां लेकिन थोड़ी बट कॉम वास्ते हां आई हैव टू सिलेक्ट द डिजर्विंग राइट केपेबल परसन। जिहड़ा पिछले 60 सालां तों साडे नाल थे उथे आए कि जितने भी लोग असां प्रमोट कीते, जितने भी लोगों को असां नौकरियां दित्तियां, असां उन्हां कुर्सियां दे बाहर जिहड़े जिम्मेवार पोस्ट सन उत्थां ही गल उड़ी थी कि जनाब बिकॉज के जी मैं क्यों कहूं इलाके च वापस बहना है वोट गिणा, जिहड़े ले वोट मिल पैंदा देन यू बिकम द हैड ऑफ अ स्टेट। एक इलाका एक तुहाडा हलका नहीं रह पैंदा, बट पाकिस्तान इज योर हलका। अच्छा, सानू तो अज तक यही समझ नहीं आई जदई साहब, सही असी ज़रात दे मुतलका मसाइल दी जदों गल करते हैं ना सर जी, तो असी अगर सूबाई लैवल ते किसी भी मिनिस्टर नाल गल करिए, सैकटरी साहब नाल गल करिए, जिते भी कोई गल करिए, देखो जनाब काश्तकारी नाल वाबस्ता ने, जनाब एक पोलिटिकल पार्टी नूं भी लैके चल रहे ने, बिल्कुल सही, खुदा की कसम रोण निकल जाता है, रोण निकल जाता है। मैं औलख साहब नूं कहा, मैं क्या औलख साहब ये फरमाओ कि जनाब तुसी आप ही काश्तकार हो, कहन लगे हाँ जी, मैं क्या तुहानू नहीं पता कि तुहाडे जमाने दे विच तुहाडी टनियोर दे विच तुहाडे ही इस मतलब वजारत दे विच ही होया कि जनाब काश्तकारां नू खाद दी बोरी सरकारी रेट सी 800 रुपया जी सर, 1600 रुपये दी विकदी रही। बिल्कुल सही, ठीक है सर, बिल्कुल। मैं क्या जनाब दूसरी गल, तुसी ये जाहिर है वजारत है, सूबाई वजारत है, रेगुलेटरी पोर्शन भी जनाब दे कोल मौजूद है, सारिया चीज़ा मौजूद ने, ते ए जनाब खाद दी इन्नी ज्यादती हुई, उन्हें फरमाया कि जनाब गल बड़ी क्लीयर जी है, ते वफाकी चैप्टर है। मैं थोड़ी सानू सुबाइज़म ते वफाकीज़म काश्तकारां नू ए चीज़ मैनू फिर समझ नहीं लगती, इहदा मतलब इह कि अगर इन्ना इनफेक्टिव सिस्टम है ते फिर सूबाई वजारतां दा खत्म कर दिओ, फिर वोट मंगदे कातों। मैं थोड़ी गुजारिश करा मुगल साहब, आई एग्री विद यू कि जी बेसिकली जब तक हुण मुल्क उस पोजीशन ते आ गया थोड़ा कि अगर हुण तुसीं अपना में दुरुस्त ना कीता तो तुहाडा सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा सी, हुण तुहाडे कोल बड़ी चॉइस कोई नहीं, और तुहाडी रूट कॉज तहरीक इंसाफ शुरू दिन तो आती पई है, रूट कॉज तुहाडी करप्शन है। अच्छा, एवरी परसन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ कि मैं क्या कर सकना, मैं अपने वास्ते अपने बच्चों वास्ते क्या कर सकना। पॉलिटिक्स लीडरशिप हैज बिकम अ बिजनेस, हाँ जी, उहदी वजह तू वेख लो कि तुसीं खाद महंगी हो गई जी, कोई चेक और बैलेंस कोई नहीं, स्प्रे महंगा हो गया कोई चेक और बैलेंस कोई नहीं, डीजल महंगा हो गया कोई चेक और बैलेंस कोई नहीं, अंटिल एंड अनलेस पूरा सिस्टम करप्शन तू साफ नहीं करोगे, और उहदे वास्ते टॉप ते जिहड़े लोग हैं
अगर वो अपना एहतसाब वास्ते अपने आप पेश नहीं करते और मन पाक करके इस मुल्क की बेहतरी वास्ते नहीं सोचते, हुण इस मुल्क का मैं तुम दस रहा इस मुल्क का सर्वाइव करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। इकतसादियात देखो जी, एमुनेशन, वेपन, सिक्योरिटी, सोवियत यूनियन की भी बहुत सी, लेकिन इकतसादियात की वजह तो कोलैप्स कर गया। तुहाड़ा ये मुल्क इसलिए सब तो इंपॉर्टेंट चीज है, तुसे ज़राअत दर तवज्जो करो, ज़राअत नू फैसिलिटेट करो। तुहाड़े कोल जी कोई सिस्टम ऐसा कोई नहीं, अव्वल तो जी उसकी काश्त बड़ी रुकावट आती है, तुहानूं जितनी भी यूटिलिटी समान है वह बड़ा महंगा मिलता है, ब्लैक मिलता है जी, ठीक है जी, और सूद से चुकना पैंता है जी, बात उसके बाद मार्केटिंग कोई नहीं जी, सब तो वड्डी जगह, कोई सिक्योरिटी कोई नहीं कि मेरा अगर बाग विकदा है जी लेट्स से लाख का, तो वो अगे जरा ग्रोअर है या जरा अगे मार्केटाइज करने वाला है उन्हें नहीं पता कि मैं कोई प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस्तेसाल हो रहा है ना जी, पूरा सिस्टम तुहाडा जिहड़ा है ना, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। तुहाडे वास्ते कोई एक्स्ट्रा परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुहाडे वास्ते खाद शुड बी, तुहाडे वास्ते कास्ट शुड बी इंपॉर्टेंट। साड़ा प्रॉब्लम है कि जी खाद कितों मैनेज कर सू, हाँ जी, बाद उस तो बाद स्प्रे कितों मैनेज कर सू, बाद पीपल डू नॉट स्पेशलाइज इन टेक्निकल एग्रीकल्चर, हुण पता कोई नहीं केड़ी खाद केड़े इलाके वास्ते सूटेबल है, कोई गाइडेंस कोई नहीं, कोई सिस्टम कोई नहीं, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस उत्ते कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट के जो लोग हुण इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट वो लोग सही परफॉर्म नहीं कर रहे, इरीगेशन का कोई सही सिस्टम कोई नहीं, थोड़ा मतलब पानी का खाले का कितने चोरी हो रही है, थोड़े कोई सिस्टम की गल तुसा कीती, वेखो मैं समझना वा गदे साहब, कोई बंदा भी बाई बर्थ असी लोग मुसलमान भी हाँ इंसान भी हाँ, कोई बंदा भी मैं समझना वा जान बुझ के बेईमानी की राह नूं इख्तियार नहीं करना चाहता। प्रेजेंट गवर्नमेंट च वेखो तुसी 8500 बिलियन रुपीज की करप्शन लैवल हो गई है, ठीक है सर, अच्छा मैं अर्ज करता पाया कोई बंदा भी बुरा काम नहीं करना चाहता, लीडर्स अगर ये अंडरस्टैंड कर लैन कि पाकिस्तान दे विच करप्शन इन्नी ज्यादा हो गई है तो क्यों हो गई है, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि इन्हां लोगों को मैं ईमानदारी की जिंदगी गुजारन दिया या बेईमानी की। मुगल साहब मेरा जो सोच है ना जो है कि जो असा शौकत खानम वास्ते निकलिया से ना जी फंड रेजिंग वास्ते, जी जी बेशतर लोग साढ़े अंदर वो याद दें कि जी तुसा निकलते पे हो, कौम बेईमान है जी, इतने कोई कह